तो गाइज, इंटरनेट एक ऐसा वर्ड है आज की लाइफ में जिससे हर कोई अच्छे से जानता है। इंटरनेट बहुत ही यूज़फुल है आज की लाइफ में, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे डेटा शेयरिंग हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो। लेकिन इंटरनेट हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट की। लेकिन इतना इंटरनेट यूज़ करने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ टोटल इंटरनेट का 5% ही यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। बाकी के 95% इंटरनेट हम अभी तक यूज़ नहीं करते हैं, और वही इंटरनेट 95% डीप वेब और डार्क वेब में है। क्या है डीप वेब और क्या है डार्क वेब, इसी के बारे में आज का वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है गाइस आज का। तो मैं गोपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिकी विद टेकी में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा कोई भी नया वीडियो जब भी अपलोड होगा यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन दे देगा। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में ऐसे तो सबको पता है, लेकिन इसकी एक ऑफिशियल और सिंपल डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो एक कंप्यूटर को वर्ल्ड के किसी भी अदर कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, ठीक है, और उसके साथ में उसको डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करता है। यह हुआ इंटरनेट। अब इंटरनेट को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आपका सरफेस वेब, ठीक है, दूसरा है आपका डीप वेब और तीसरा है आपका डार्क वेब। इन तीनों कैटेगरी को इंटरनेट में बांटा गया है। तो गाइज अब बात करते हैं इंटरनेट की पहली कैटेगरी सरफेस वेब के बारे में। सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब इंटरनेट की सबसे ऊपरी लेयर है जो पब्लिकली प्रोवाइड की गई है। इसको कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको एक्सेस कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये सबके लिए विजिबल है, इसीलिए इसको विजिबल वेब भी कहा जाता है। और इसमें जो भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी सर्च इंजन्स पर इंडेक्स्ड है, इसीलिए इसको इंडेक्स्ड वेब भी कहा जाता है। सर्च इंजन चाहे वो याहू हो चाहे वो गूगल हो, आप जो भी सर्च करते हैं वहाँ पे, फिर जो लिस्ट ओपन होती है वेबसाइट्स की, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपकी सरफेस वेब के अंदर है, ठीक है। इसको कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इसको इंडेक्स्ड और विजिबल वेब कहा जाता है। ये सिर्फ 5% है टोटल इंटरनेट का। तो ये मान लीजिए आप जो भी एक्सेस करते हैं, कोई कुछ भी चीज़ एक्सेस करते हैं और आपको वो शो हो रही है गूगल पे, तो वो सारी की सारी सरफेस वेब है और ये टोटल इंटरनेट का 5% है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीप वेब। अब हम बात करते हैं डीप वेब के बारे में। डीप वेब को इनविजिबल वेब या द हिडन वेब भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर किया जाता है, इसको नॉर्मल इंटरनेट यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्पेशल यूआरएल या स्पेशल वेबसाइट या फिर किसी स्पेशल सर्वर पर पहुंचने के लिए एक एड्रेस प्लस साथ में एक परमिशन कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हैं, और इसकी कोई भी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पर इंडेक्स्ड नहीं होती हैं। सरफेस वेब में सारी वेबसाइट्स सर्च इंजन पर इंडेक्स्ड होती हैं, इसीलिए हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें लिस्ट के रूप में शो हो जाती है वहाँ पे। अब इसमें क्या डेटा होता है कॉन्फिडेंशियल? इसमें चाहे किसी यूनिवर्सिटी का डेटा हो सकता है, चाहे बैंकिंग का डेटा हो सकता है, चाहे किसी गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का डेटा हो सकता है, या फिर किसी बड़ी कंपनी का डेटा हो सकता है। यह सिर्फ लिमिटेड यूज़र्स के साथ में शेयर करने के लिए
इसको डीप वेब पे डाला जाता है ताकि उसकी एक्सेसिबल परमिशन के साथ में किसी यूज़र को वो डेटा प्रोवाइड हो जाए। इसको नॉर्मल इंटरनेट यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है, इसमें लिमिटेशंस होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई डेटा शेयर करना है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल ड्राइव पे डालेंगे उसको, और गूगल ड्राइव पे डालने के बाद में आप जिस जिस के साथ में उस डेटा को शेयर करना चाहते हैं उसके साथ आप उसका शेयरेबल लिंक शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो जो डेटा आपने इंटरनेट पे डाला है वो है तो ऑनलाइन ही डेटा, अब वो किसी और यूज़र को शो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक डीप वेब का ही पार्ट है। अब वो लिमिटेड लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं आप, और नॉर्मल यूज़र को वो डेटा शो नहीं होगा, यही डीप वेब है गाइज। तो गाइज डार्क वेब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से इंटरनेट का इलीगल हिस्सा है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी भी इसे एक्सेस करने का ट्राई मत कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है और आप सबको इस चीज़ से अवेयर करवाना है, ठीक है। अब डार्क वेब में क्या है, डार्क वेब में आप कुछ भी कर सकते हैं गाइज, कुछ भी, आप जो भी चीज़ अपने माइंड में सोच रहे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। ये नॉर्मल गूगल सर्च में शो नहीं होता है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की नीड होती है जिसका नाम है टोर। टोर का पूरा नाम है द अनियन रूटर। अब इसके जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनका डोमेन जो लास्ट में हमारे नॉर्मल डोमेन में .com होता है, वैसे के वैसे डार्क वेब की वेबसाइट्स के लास्ट में .onion होता है। यहाँ पे पूरे के पूरे इलीगल वर्क्स होते हैं गाइज, पूरे के पूरे इलीगल वर्क्स, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि आप इसको कभी भी एक्सेस मत कीजिएगा। अगर आप द अनियन राउटर को यूज़ करते हैं तो इससे आप अपनी इंटरनेट पर पहचान छुपा सकते हैं, अपना IP एड्रेस छुपा सकते हैं, और आप इससे डार्क वेब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब पे सिर्फ और सिर्फ इलीगल वर्क्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ पे गैम्बलिंग होती है, वहाँ पे शूटर हायरिंग होती है, और ऐसे ही बहुत सारे इलीगल वर्क्स होते हैं गाइज। इन सब के बारे में मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही बड़ा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब के बारे में। तो गाइज़ ये था डार्क वेब, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज़ कि डार्क वेब को कभी भी एक्सेस करने का ट्राई मत कीजिएगा, ये पूरी तरीके से इलीगल है। अगर आप डार्क वेब को यूज़ करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है गाइज़, ठीक है। तो आज का था ये वीडियो, आप मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल गया होगा कि सरफेस वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है। ये तीनों के तीनों इंटरनेट की कैटेगरीज़ हैं, और आप जो नॉर्मल डेली रूटीन में वर्क करते हो, जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ टोटल इंटरनेट का 5% है, ये भी आपको पता चल गया है। बाकी डीप वेब इलीगल नहीं है, लेकिन आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल URL चाहिए होता है। डार्क वेब पूरी तरीके से इलीगल है, इसीलिए आप इसको कभी भी एक्सेस मत कीजिएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता चले। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।